नमस्ते, वेलकम टू प्लांट लाइफ क्रिएटिव बस चैनल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ प्लांट्स नर्सरी से बाय किए हुए हैं, ऑनलाइन इनको नहीं मंगाया हुआ है, और मैं प्रिफर करती हूँ प्लांट्स नर्सरी से ही लाना, क्योंकि वहाँ पर आप देख करके ला सकते हैं कि प्लांट बुशियर है या नहीं है, क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें। तो पहला प्लांट मैंने लिया हुआ है पीस लिली का। मेरे पास ऑलरेडी रेन लिली, एशियाटिक लिली के प्लांट्स भी हैं। पीस लिली एक इंडोर प्लांट है, जबकि आपका रेन लिली और एशियाटिक लिली आप आउटडोर ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और इसमें वाइट कलर का जो फ्लावर आता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये प्लांट मुझे 120 रुपीज़ का पड़ा, और ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया। इसके अलावा मैंने और भी प्लांट्स लिए हुए हैं जो वन बाय वन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप में से किस किस के घर में पीस लिली का प्लांट है मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आप इंडोर ग्रो करने में के शौकीन हैं तो आप भी इसे ले सकते हैं। इंडोर गार्डनिंग के लिए एग्लोनिमास काफ़ी अच्छा होता है। तो नेक्स्ट जो मेरा प्लांट है वो है एग्लोनिमा का प्लांट। एग्लोनिमा में कई वैरायटी आती हैं, इसमें से एक वैरायटी देखिए ये है जो मैंने परचेज़ की हुई है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं, इसमें क्रीम कलर बहुत ज़्यादा है, इसे लाइट ग्रीन कलर भी बोल सकते हैं, और साइड में इसके डार्क ग्रीन कलर है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी हैं, और ये भी एक इंडोर प्लांट है। आप चाहें तो इसे शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको फुल सनलाइट में रखा देन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इसके कलर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे। इस प्लांट को मैंने 220 रुपीज़ में लिया, जो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा, और इसमें एक ही पॉट में दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स हैं। जितने भी मैंने प्लांट्स लिए हुए हैं सभी में, इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि प्लांट मेरा पॉट में लगा हुआ था, तो इसको रिपॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार रिपॉट करने से हमारे जो प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है वो एग्लोनिमा की ही दूसरी वैरायटी है, ये देखिए। ये प्लांट भी मुझे काफ़ी बुशियर लगा, और इसका भी सेम प्राइस था 220 रुपीज़, और इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं। एग्लोनिमा का प्लांट जो है वो एयर प्यूरीफायर भी होता है, तो इसलिए इसे इंडोर रखना काफ़ी अच्छा है। इसकी पत्तियों की शाइनिंग अगर आपकी कम होने लगे तो आप इसके पास में ही एक स्प्रे की बॉटल रखिए, ताकि जब भी आपको टाइम मिले ये तो हल्का सा स्प्रे इसकी पत्तियों पर कर दीजिए। इसको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इसमें पानी ही आपको सबसे ज़्यादा बचाना पड़ता है, क्योंकि पिछले साल मैंने एक अपना प्लांट लिया था जिसमें से दो में से एक प्लांट मेरा थोड़ा ख़राब हो गया, उसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी यही ओवर वाटरिंग की हो गई थी। इसकी मिट्टी जब अच्छे से सूख जाए तभी इसमें पानी देना चाहिए। नेक्स्ट मेरा जो प्लांट है वो भी एग्लोनिमा की ही दूसरी वैरायटी है, ये देखिए। इसकी पत्तियों का रंग जो है वो क्रीम और ग्रीन कलर में ही है, बट ये थोड़ा मार्बल टाइप का है। एग्लोनिमा की प्लांट्स में जो इनकी लीव्स होती हैं इसका एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, और सबसे अच्छी बात है कि आप ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो आपको इसको जल्दी जल्दी रिपॉट नहीं करना होता, और जैसे जैसे ये बुशियर होता जाएगा वो देखने में और भी सुंदर लगने लगेगा।
ये प्लांट भी सेम प्राइस पर मुझे 220 का ही मिला है। इसके बाद एक और प्लांट मैंने लिया है, जो एग्लोनिमा की ही एक और वैरायटी है। ये देखिए, और इसकी पत्तियों का रंग हल्का और डार्क ग्रीन में है, जो ऐसे लग रहा है जैसे देख करके किसी ने शेडिंग की हुई हो। इसकी पत्तियां कंपैरेटिवली थोड़ी सी लार्ज हैं, और इसमें मुझे एक ही पॉट में तीन प्लांट लगे हुए मिले। चाहे आकर आप इस तरह से प्लांट लाते हैं तो आप चाहें तो इन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं, बट मैं इन्हें एक सेम पॉट में ही रखना पसंद करूंगी, क्योंकि जब ये बुशियर होता है तभी देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी आज की मेरी कुछ प्लांट की शॉपिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इसमें से एग्लोनिमा की कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप आपको मेरी ये शॉपिंग पसंद आई होगी। तो बेसिकली ये जो सारे एग्लोनिमा या पीस ले लिए, सारे जो प्लांट्स हैं ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं। तो आपकी आपको इसमें से कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इन पर एक डिटेल्ड वीडियो भी जल्द बनाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्लांटिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर नेचुरल पीस एंड ऑफकोर्स फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।